नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड इन गुड हेल्थ। ये टीम जो है हर साल ज़बरदस्त टीम उतारती है आईपीएल के अंदर, और एक भी साल इन्होंने फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया गया। बड़े बड़े प्लेयर्स आए इनकी टीम से खेले, कॉम्बिनेशन में कभी फॉल्ट हुआ, कभी इनकी जो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट है परफॉर्मेंस हाई पे गई और उसके बाद लो पे चली गई, कभी नीचे से आगाज़ किया, कभी इनकी बहुत सारी मिस्टेक्स होती गई, कभी इनके पास पावर प्ले में बैट्समैन नहीं थे और एंडिंग ओवर में डेथ बॉलर्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये टीम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल्स के लिए। लेकिन इस साल आईपीएल 2020 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने जो अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाया वो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, जिसके अंदर बैटिंग पावर प्ले और साथ साथ ऑलराउंडर्स की भरमार है। और सबसे खास बात, इनकी टीम के अंदर जो लेग स्पिनर है वो है अमित मिश्रा, जो मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं आईपीएल के, और सबसे ज़्यादा हैट्रिक जिन्होंने अपने नाम कर रखी है। और कभी कभी इन्होंने ऐसा स्पेल किया है कि लूजिंग मैच को विनिंग में तब्दील किया गया। तो अमित मिश्रा इज़ द की प्लेयर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और बाकी टीम की बात करें, इनके पास कौन से बैट्समैन है, पहले तो बैट्समैन की बात करते हैं कि बैट्समैन की जो बोचार है वो बहुत बढ़िया है, और दे आर ऑल टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर शेखर धवन हो गए। शेखर धवन टी ट्वेंटी में तो नो डाउट, वनडे में भी हमने देखा इनकी परफॉर्मेंस, जब भी इंडिया से खेले टी ट्वेंटी हो या ओडीआई क्रिकेट हो, उन्होंने अपना जहराना अंदाज हमेशा जारी रखा फ्रॉम द बॉल वन। उसके बाद शेरमन हेटमायर है, जो वेस्ट इंडियन लेफ्ट हैंडेड यंगस्टर है, बट क्या क्या खेलते हैं वो, जब भी आते हैं वो अपनी विकेट की परवाह नहीं करते और अपने शॉट्स खेलते हैं। पृथ्वी शॉ हो गए, उसके बाद श्रेयस अय्यर जो इनके कप्तान भी, और श्रेयस अय्यर के बारे में जब जब इनको मौका मिला इंडिया की तरफ से खेलने का, इन्होंने परफॉर्म किया। ये है कि नो डाउट कि ये ऐसे प्लेयर नहीं है कि जिनको बेंच पे बैठाना चाहिए, और जब भी इंडिया ने इसको खिलाया और इसने भरपूर अंदाज से परफॉर्मेंस दिखाई और अपने फैंस को कभी भी निराश नहीं किया, इवन के इंडियन टीम को भी निराश नहीं किया। तो ये एक बहुत एक्सप्लोसिव टीम बनी हुई है इस साल दिल्ली कैपिटल्स की। और इसके अंदर ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स के अंदर भी मार्कस स्टोनिस है, जो ऑस्ट्रेलिया से है, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, नीचे से आके बैटिंग करते लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, और फिर उसके साथ कीमो पॉल भी है मौजूद, जो वेस्ट इंडियन है, बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं और साथ साथ बैटिंग जो उनकी, मैंने बैटिंग देखी है सीपीएल के अंदर जब जब इन्होंने खेला है और परफॉर्म किया है, बैटिंग भी तगड़ी करते हैं। फिर इसके साथ ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैम भी है इनके पास मौजूद है, जो इनकी बैटिंग है, बैटिंग और ऑलराउंडर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इनका जो टीम कॉम्बिनेशन लग रहा है इस सीज़न के लिए वो बढ़िया लग रहा है। और श्रेयस अय्यर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कप्तानी किस तरह करते हैं, और कप्तानी के साथ साथ जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू परफॉर्म ऑन ईच एंड एवरी गेम, तो मेरे ख्याल से ये इनको एक और अच्छा प्लेयर बनने में साबित होगा इस आईपीएल के अंदर। अगर मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स की बात करें तो इनमें से एक दो तीन नहीं है, पूरे 11 इनके मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स हैं, जो इनका ऑन द पेपर जो इनकी टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बैलेंस है। नो डाउट कि इनको बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के अंदर थोड़ा सी प्रॉब्लम है, क्रिस वोक्स इस सीज़न नहीं आ रहे, वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा नहीं बन रहे, उसकी वजह से इनकी फास्ट बॉलिंग के ऊपर है काफ़ी लोड है। मोहित शर्मा जो चेन्नई सुपर किंग में खेलते रहे, उधर से जो है दिल्ली कैपिटल्स में आए, तो उनके पास मोहित शर्मा है फास्ट बॉलिंग के अंदर, स्टोनिस है, फिर उसके बाद कीमो पॉल है, लेकिन मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स कौन कौन से होंगे? मैं चाहूँगा कि ये लड़के परफॉर्म करें और इस साल दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल्स तक ले जाए। सबसे पहले श्रेयस अय्यर, सेकंड इज ऋषभ पंत के बारे में बात करूं, लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोजन मैं करूंगा कि वो अपने शॉट्स को रोकते नहीं है, जब भी आते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की, फैंस की बहुत हाई रहती है, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इस सीजन में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज लुकिंग एट एमएस धोनी की रिटायरमेंट एंड देन लुकिंग एट अदर विकेट कीपर्स अराउंड आईपीएल टीम्स जो जिसके अंदर है, उनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इस सीज़न, अगर उनका अच्छा गया तो वो डेफिनेटली ही विल बी द पार्ट ऑफ द इंडियन वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी स्क्वाड, बट
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दिनेश कार्तिक भी सीनियर मोस्ट है, उनके साथ भी इनका कंपटीशन है, फिर रिद्धिमान साह है उनके साथ कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो लगा हुआ है ऋषभ पंत का। जिस तरह उन्होंने लास्ट की सीरीज़ में परफॉर्मेंस दी इतनी अच्छी नहीं रही, एक में करते कंसिस्टेंस नहीं रहते, लेकिन इस सीज़न ये उम्मीद की जाती है कि दुबई के अंदर टूर्नामेंट है, उनके मतलब का विकेट होगा, कंडीशन उनको सूट करेगी, और जिस तरह के वो प्लेयर है स्पिनर्स को तो बहुत बढ़िया खेलते हैं वो, तो उनका रोल है वो मेन होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। एंड द थर्ड इज अमित मिश्रा। अमित मिश्रा एक्सप्लेंडेड बॉलर, लेग स्पिनर, जिसने T20 क्रिकेट के अंदर बड़े जहराना अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई IPL में, एंड द मोस्ट हाईएस्ट हैट्रिक टेकर इन द IPL इज अमित मिश्रा। और उन्होंने गेम का पासा पलटा है बहुत दफ़ा, कि टीम हारने की पोजीशन में होती है तो वो विनिंग पोजीशन में ले आते, आर्मरी होती है लेग स्पिनर के पास, और लेग स्पिनर ही इज़ लाइक 37 ईयर्स ओल्ड नाउ। जब लेग स्पिनर 32 की एज में जाता है और मेच्योरिटी आती है और कॉन्फिडेंस आता है और वो ग्रो करता है एज द एज गोज ऑन, ये लेग स्पिनर की खासियत है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि बैट्समैन जो है 33-34 के बाद मेच्योर होता है, उसमें और कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है, और वो जो है ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ विकेट पे खड़ा रह के बैटिंग करता है। इसी तरह लेग स्पिनर में होता है कि पेशेंस आ जाते हैं उसके अंदर, और अपनी जो आर्मरी होती है लेग स्पिनर की वो बहुत बेहतर अंदाज से यूज़ कर सकते हैं। तो अमित मिश्रा इज़ द की बॉलर फॉर दिल्ली कैपिटल्स। वहाँ वीकनेस के अंदर जो दिल्ली कैपिटल्स जिसका मेन इशू है वो है फास्ट बॉलिंग, बिकॉज फास्ट बॉलिंग आपका ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो T20 क्रिकेट में रिलाई करते हैं कप्तान, क्योंकि एंडिंग की ओवर करने होते हैं, डेथ बॉलिंग करनी होती है, यॉर्कर्स जिसके परफेक्ट होते हैं, और जो है जहां पर सामने पावर हीटर्स मौजूद हो वहां पर उनको ब्लॉक करना होता है जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो कगासो रबाटा है साउथ अफ्रीकन, फिर नोटेगे है साउथ अफ्रीकन, फिर ईशांत शर्मा है, मोहित शर्मा है, फिर इसके बाद स्पिन में संदीप लैमचिनी है जो नेपाल के है, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया, लेकिन फास्ट बॉलिंग का जो शोभा है वो ज़्यादा जो है वीक नज़र आ रहा है, बिकॉज आप अगर ज़्यादा स्पिनर्स खिलाते हैं तो फास्ट बॉलिंग में आपको दो फास्ट बॉलर ऐसे रखने पड़ेंगे जो आपको शुरू में अच्छा स्पेल करके दें और आखिरी में अच्छा स्पेल करेंगे, तो वहाँ पर वरीज है। जिस तरह से धोनी ने मोहित शर्मा को यूज़ किया था चेन्नई सुपर किंग के लिए, उसी तरीके से श्रेयस अय्यर को मोहित शर्मा को यूज़ करना पड़ेगा। और ईशांत हो गए, कगासो रबाडा हो गया, नोटेगे हो गया, उनको कहाँ खिलाना है वो बड़ा डिपेंड करेगा। फिर यंग सेंसेशनल जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अवेश खान, वो एक यंगस्टर है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी बढ़िया रही है। तो इनके पास जो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सी टूटा हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वहाँ उनकी वीकनेस है। बट ओवरऑल उनकी जो टीम है स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल, फिर उसके बाद अमित मिश्रा, बैटिंग में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत हो गया, श्रेयस हिटमायर हो गए, फिर उसके बाद शेखर धवन हो गया, तो ये सारे बैट्समैन जो है इनके पास मौजूद है जो अपनी टीम को आगे तक लेके जा सकते हैं। फिर उसके साथ अजिंक्य रहाणे भी इनकी टीम का हिस्सा है, ठीक है वो T20 क्रिकेट में इतने सक्सेसफुल साबित नहीं होते, लेकिन कभी आपको ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है, अजिंक्य रहाणे टाइप प्लेयर की ज़रूरत होती है कि जो ओपनिंग में आए और वहाँ से स्टैंड दे और लंबा खेले, एक एंड को संभाल के रखे। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, टीम का स्ट्रक्चर है, वो बड़ा ज़बरदस्त बिल्ड किया है अंडर द हेड कोच ऑफ रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग को कौन नहीं जानता है कि जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी करके नंबर्स ऑफ ओकेशंस जो है टूर्नामेंट्स जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, और उनके पास एक बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इस साल रिकी पॉन्टिंग के पास एक अच्छी कॉम्बिनेशन और अच्छा स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर वो इनसार कर सकते हैं और इस साल दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल्स तक लेके जाने में कोई मुश्किलात नहीं हो सकेगी। आई होप एंड माई विशेज आर फॉर दिल्ली कैपिटल्स, दे डू वेल फॉर दिस टूर्नामेंट। थैंक यू।